Hello friends, welcome to easyfoodmaking.com. आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की बर्गर, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए हमने ये आलू को बॉयल कर लिया है, मटर और ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने बॉयल कर लिया है। ये हमने आइसबर्ग लिया है, ये स्पाइसी गार्लिक चीज़ है, ये दो स्लाइस चीज़ हमने ले रखा है, एक कप पानी। ये हमने कॉर्न स्टार्च फुल एक कटोरी लिया है, हाफ कटोरी से थोड़ा कम मैदा लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो पिंच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अनुसार से नमक ले सकते हैं। ये हमने धनिया पाउडर लिया है एक चम्मच फुल, और ये बटर, दो बर्गर लिए हैं, और ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है जिसको कि हमने घर पे बनाया है। आप इसको हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आलू टिक्की बर्गर बनाना। सबसे पहले आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए हम ये आलू का डो तैयार करेंगे। इसको हम एक साइड रख देते हैं। इन सारी चीज़ों को, आलू को फोल्ड लेंगे। हम इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर भी, हल्दी पाउडर, नमक, लगभग दो चम्मच के आसपास। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू टिक्की डो तैयार हो गया है, अब हम इसकी टिक्कियां बना लेते हैं। चॉपर बोर्ड ले लेंगे। इसको किनारे से ऐसे रोल कर देंगे थोड़ा थोड़ा, एक बराबर, एक बार फिर से रोल करेंगे। टिक्की रेडी हो गई है। हम इसी तरह से एक टिक्की और बनाएंगे और बना के इसको दो मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, तब तक हम घोल तैयार करेंगे। आलू टिक्की को हमने फ्रीज़र में रख दिया है दो मिनट के लिए, तब तक हम ये घोल बना लेते हैं। कॉर्न स्टार्च ले लेंगे पूरा, ये मैदा भी ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक पिंच। अब हम इसका एक घोल बनाएंगे। घोल रेडी हो गया है, कुछ इस तरह का है, सेम ऐसे ही आपको बनाना है। हम इसको एक साइड रख देते हैं और ये बर्गर को बीच से कट कर लेंगे, और एक तरफ हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं पैन में, तो हम बीच से कट कर लेते हैं। रख दिया है बिल्कुल गैस कम करके, ये गर्म हो रहा है, और एक तरफ हम गैस फुल करेंगे, तवा रखेंगे और इस बर्गर पे बटर लगा के थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। चेक कर लेंगे उठा के। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, इसको पलट देंगे थोड़ा थोड़ा। ये भी थोड़ा कम है, इसको और डार्क करेंगे हल्का सा। ये रेडी है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तुरंत हम टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हमारा बर्गर ठंडा हो जाएगा। आलू टिक्की बनाने के लिए इस घोल को एक बार चला लेंगे, इसमें आलू टिक्की को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में रखेंगे और चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को लगा लेंगे। टिक्की में हमने चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है, इसको हम गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरी टिक्की भी
अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा के उसको भी डाल देंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे। अब हम टिक्कियों को धीरे से एक बार चेक कर लेंगे। पलट देंगे इनको। थोड़ा डार्क कलर होने तक इसको डीप फ्राई करेंगे। कितनी क्रिस्पी आलू टिक्की बनी है, बहुत ही अच्छी। अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्गर को हम ये एक साइड ऐसे कर देते हैं। हम स्प्रेड चीज़ लगा देते हैं सबसे पहले। आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम ये आइसबर्ग भी इसमें लगा देंगे। अब ये आलू टिक्की रखेंगे। अब ये स्लाइस चीज़ लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी स्लाइस चीज़ इस पर रख देंगे। आप चाहें तो टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं अंदर, बट बाहर से लगा के खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर से हम ये दूसरा भी रख देते हैं। थोड़ा सा दबा देंगे। आलू टिक्की बर्गर तैयार है। एक्स्ट्रा चीज़ी बर्गर बना है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।